सो हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जेतू पे एडिटिंग। सो गाइस, आज मैं ना कोई ब्रेकडाउन देने वाला हूँ ना कोई फोटो को एडिट करना बताऊंगा। आज मैं बताने वाला हूँ कि लाइट रूम एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइस, ये लाइट रूम का आइकन होगा, आपने देखा होगा बहुत सी जगह। अगर आप एडिटिंग की स्टार्ट कर रहे हैं, एडिटिंग सीखनी चाहते हैं, तो ये लाइट रूम एप्लीकेशन आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि इससे आपकी फ़ोटो बहुत ही अच्छा रिटच हो जाती है और अपनी फ़ोटो की क्वालिटी भी कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। तो ये टूल मतलब ये एप्लीकेशन बहुत ही मतलब मस्त एप्लीकेशन है फ़ोटो एडिटिंग के लिए। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं बस यही बताऊंगा कि अपनी फ़ोटो को एडिट कैसे करते हैं, मतलब लाइट रूम के थ्रू, मतलब लाइट रूम से कैसे एडिट कर सकते हैं। और मैं इसकी बेसिक चीज़ें जो भी हैं, सारे टूल्स इसकी मैं आज बता दूंगा आज की वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, नॉलेजेबल होने वाली है। सो गाइस, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, और वहाँ पर मैं अपनी फ़ोटोज़ डाला करता हूँ, रियल फ़ोटोज़ जो भी मैं इस यहाँ पे ब्रेकडाउन देता हूँ, उनका ट्यूटोरियल देता हूँ, वहाँ पे मैं रियल फ़ोटोज़ डाला करता हूँ। और वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो कि भाई ये मेरी फ़ोटो एडिट कर दो, बहुत सारे लोग करते हैं। तो वैसे आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो वैसे चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो वैसे चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो गाइस, मैंने अपने लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। मैं अभी यहाँ पे कोई अपनी फ़ोटो ओपन करता हूँ यहाँ पे, जो कि मेरी फ़ोटो एडिट नहीं हुई है। तो गाइस, आज मैं मतलब आप यहाँ पे बहुत ही सारे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए मैं बता रहा हूँ बहुत ही हेल्पफुल होगी अगर आप लाइट रूम यूज़र हैं। सो गाइस, अब मैं अपने फ़ोन को टर्न करता हूँ, लेकिन गाइस वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, मैंने फ़ोन को टर्न कर लिया है। सो गाइस, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डन का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर। सो गाइस, यहाँ पे आप डन कर सकते हैं, मतलब किस में आपको जेपीजी में सेव करनी है। सो गाइस, ये सेव करने के लिए होता है। सो गाइस, इधर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो एडिट का ऑप्शन होगा, देन यहाँ पे आप जाके अपनी फ़ोटो की इन्फो ले सकते हैं कि कैसे क्लिक हुई है, कैसे मतलब क्या एक्सपोजर था। देन इसके बाद रेट एंड रिव्यू में जाके आप देख सकते हैं कितनी रेटिंग मिली इस फोटो को। देन एक्टिविटी में जाके आप देख सकते हैं इस फोटो कितनी लाइक्स मिली हैं, कितनी मतलब कमेंट्स मिले हैं, क्या क्या हुआ है, मतलब लाइट रूम में अगर लाइट रूम में फ़ोटो भी अपलोड होती। देन गाइस, इधर राइट साइड में आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो एक्सपोर्ट होने के लिए सारे ऑप्शन रहते हैं। मुझे पता है गाइस आपको शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये लाइट रूम का कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस पॉलिसी है। सो गाइस, यहाँ पे आपको ये एक्सपोर्ट वाली सेटिंग दिखती नहीं। सो गाइस, यहाँ पे आप देख रहे होंगे थ्री डॉट होंगे, यहाँ पे आप जाके अपनी फ़ोटो का जो एडिट किया है उसका प्रीसेट बना सकते हैं, उसकी कॉपी सेटिंग्स को कॉपी कर सकते हैं, स्लाइड्स को स्टार्ट कर सकते हैं। देन गाइस, यहाँ पे आप हिस्टोग्राम करके आपको पता कर सकते हैं कि क्या क्या मतलब एडिट हुआ, किस कलर कितना चेंज किया गया है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कैसी फ़ोटो है, कैसे क्लिक हुई है, कब क्लिक हुई है, कब एक्सपोर्ट हुई है। तो और ये गाइस, यहाँ पे दो टूल दिख रहे होंगे आपको, इन टूल्स को मतलब इन टूल्स की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये गाइस बहुत ही मतलब कुछ लोगों के ओपन होते हैं, कुछ लोगों में नहीं होते हैं, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। देन गाइस, जो हमारा तीसरा टूल है वो है मतलब क्रॉप टूल है, इसे क्रॉप टूल बोलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप जाके अपनी फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं अपनी फ़ोटो को, एंड उसको मतलब आप अपने रेशियो से क्रॉप कर सकते हैं। इसमें आप इसे क्रॉप को अनलॉक कर सकते हैं, तो मतलब आपकी फ़ोटो भगेगी नहीं। देन यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो को रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, इसको छोड़ते हैं। देन गाइस, अगला फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा है मतलब कलर टू, मतलब इसे बोलते हैं प्रोफाइल्स बोलते हैं इसे। सो यहाँ पे जाके पहले से प्रोफाइल्स हुई रहती हैं लाइटरूम की तरफ से, मतलब जो पहले से बनी होती हैं, जिन पे आप क्लिक करके अपनी फ़ोटो को एक क्लिक में एडिट कर सकते हैं। तो गाइस, आप कहते हैं तो मैं इसका स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा अगर नीचे आप कमेंट करते हैं तो। गाइस, यहाँ पे आप मतलब कोई भी टूल, मतलब कोई भी प्रोफाइल लेके आप, जैसे मैंने मॉडर्न वाला चूज़ किया है, तो गाइस यहाँ पे आप एक क्लिक में अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छी मतलब प्रोफाइल्स रहती हैं, उससे फ़ोटो एडिट हो जाती है काफ़ी अच्छी, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि मतलब मैनुअली करो, इस पर मत जाओ। तो यहाँ पे जो पांचवा टूल है हमारा वो है ऑटो टूल। इसमें मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने अंडो कर दिया, तो यहाँ पे ये ऑटो टूल जो है आपकी फ़ोटो के हिसाब से एडजस्ट कर देगा, मतलब सारी सेटिंग्स वो अपने हिसाब से जाएगा, लेकिन आपके हिसाब से नहीं जाएगा। वो अपने हिसाब से सारी सेटिंग्स जो है कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा। जैसे कि मैं आपको अभी
करके दिखाता हूँ मोटर रोल पर क्लिक। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो इसने एक्सपोजर को माइनस में कर दिया, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दिया, हाइलाइट्स को भी माइनस में कर दिया, शेडोज को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया, वाइट्स को कम कर दिया। देन मैं इसको अंडो कर देता हूँ तो साइज सेटिंग चेंज हो जाती हैं। मतलब मुझे ये सब पसंद नहीं, मतलब मैं मैनुअली सारी सेटिंग्स करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा छठवां टूल है यहाँ पे, मतलब इसे एक्सपोजर टूल बोलते हैं, यहाँ पे आप एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं, हाइलाइट्स को बढ़ा सकते हैं, मतलब शेडोज को भी चेंज कर सकते हैं, वाइट्स को चेंज कर सकते हैं, ब्लैक्स को, मतलब सारी सेटिंग्स का यहाँ पे कर सकते हैं ये। तो गाइस यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको कर्व टूल, यहाँ पे आप जाके अपने कलर को चूज करके उसका कर्व टूल के यूज करके मतलब कुछ भी, मतलब इसका ह्यू लुमिनेंस कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, बस इसका यूज होना चाहिए। ये कर्व टूल अगर आप यूज कर लेते हैं तो इसका मतलब बहुत ही यूज होता है, बहुत ही अच्छा यूज होता है। ये मैंने अभी सीखा नहीं है, मतलब मुझे पता नहीं इसका यूज कैसे करते हैं, बस मैं सिर्फ फेडेड लुक डाल सकता हूँ अपनी फोटो में। इसका भी वीडियो आप चाहे तो मैं बना दूंगा। देन गाइस इसको अंडो करते हैं और चलते हैं, मतलब सारी सेटिंग्स को अंडो कर लेता हूँ। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है टेम्परेचर टूल, मतलब इसको कलर टूल भी बोलते हैं। और गाइस यहाँ पे आप जाके अपनी फोटो को, मतलब लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक क्लिक करके आप अपनी फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अपने आप कर देता है ब्लैक एंड व्हाइट एक क्लिक में। देन यहाँ पे आप जाके अपनी टेम्परेचर को, अपने टिंट को और अपनी वाइब्रेंस को आप चेंज कर सकते हैं, वाइब्रेंस बहुत ही यूज होता है फोटोज में। देन यहाँ पे आप सैचुरेशन को भी चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं तो मिक्स टूल दिखेगा आपको, यहाँ पे आप जाके, ये टूल ही बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, सारे लोग जो भी लाइटरूम यूज़ करते हैं ये टूल, मतलब ये टूल के बिना फोटो एडिट हो ही नहीं सकती आपकी, मतलब आप कर सकते हैं आपके अगर टैलेंट है, लेकिन मैं इस टूल को सजेस्ट करता हूँ कि ज़्यादातर यूज़ करिए। यहाँ पे आप जाके कोई भी कलर का ह्यू, सेचुरेशन, ल्यूमिनेस कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑरेंज कलर जो होता है हमारी स्किन का कलर होता है, तो मैं इसका ल्यूमिनेस आप बढ़ा सकते हैं तो आपकी फेस पे ब्राइटनेस आ जाएगी। देन गाइस जो होगा हमारा ये येलो कलर, इसका भी आप ह्यू ल्यूमिनेस कुछ भी कर सकते हैं। देन गाइस मैं आपको ग्रीन कलर जादू दिखाता हूँ, अगर मैं इसको माइनस में कर देता हूँ ग्रीन कलर का हो तो ये बैकग्राउंड येलो हो जाएगा, देन पॉजिटिव में करूँगा तो ब्लू हो जाता है। सो गाइस ये टूल बहुत ही अच्छा वर्क करता है, मैं सजेस्ट करूँगा कि ये टूल जरूर यूज़ करो अगर आप लाइटरूम मोबाइल यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आप डार्क ब्लू कलर, मतलब सारे कलर्स को आप छेड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब लुमिनेंस, ह्यू, सैचुरेशन कुछ भी बढ़ा सकते हो। देन गाइस इसको टर्न करते हैं। देन गाइस हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो मुझे इसका नाम नहीं पता है, इससे कुछ मतलब टेक्सचर टूल, मतलब टेक्सचर मतलब क्लैरिटी बढ़ानी रहती है। सो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि अपने फोटो का टेक्सचर बढ़ा सकते हो, आप टेक्सचर कम कर सकते हो जिससे फोटो स्मूथ हो जाएगी। देन इसकी क्लैरिटी को भी आप, मतलब क्लैरिटी को बढ़ा सकते हो जिससे फोटो आपकी क्लियर हो जाएगी। देन गाइस इसका डीएच कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हो, आप डीएच का भी अच्छा यूज़ कर सकते हो अगर आपकी डार्क फोटो है। देन गाइस इसका वीनेट आप बढ़ा सकते हो, मतलब वाइट कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो आप, मतलब। देन गाइस वीनेट का आता है यहाँ पे मिड पॉइंट, वीनेट का आपका सेकेंड टूल जो है वो होगा मिड पॉइंट, मतलब वीनेट से, मतलब वीनेट का मिड पॉइंट कितना रहना चाहिए और इसका वीनेट का फेदर कितना रहना चाहिए और इसकी राउंडनेस कितनी रहनी चाहिए, ये सब होता है यहाँ पे। देन गाइस इसकी हाइलाइट्स को, वीनेट की हाइलाइट्स को चेंज करते हो। देन गाइस यहाँ पे आता है ग्रेन अमाउंट, ये टूल भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो और डालते हैं तो आपको पता होगा कि थोड़ी फट जाती है फोटो। देन गाइस आप इसको, इस टूल का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी मतलब जैसे कि फोटो है नॉर्मल सी, मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये मेरी मतलब नॉर्मल फोटो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने ग्रेन्स डाल दिए हैं तो ग्रेन्स का मतलब दिख रहा होगा आपका। यहाँ पे रफनेस आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये भी टूल बहुत अच्छा वर्क करता है अपने फोटोज़ में। देन जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है शार्पनिंग टूल, यहाँ पे आप जाके अपना अपनी फेस, मतलब अपनी पूरी फोटो को शार्प कर सकते हैं, उसको डिटेल बढ़ा सकते हैं और मास्किंग कर सकते हैं फोटो को। देन उसकी नॉइस को रिडक्स कर सकते हैं, उसकी डिटेल बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, मतलब यहाँ पे सारी शार्प फोटो, मतलब आप स्मूथ भी कर सकते हैं फोटो, जिससे मैंने कलर नॉइस रिडक्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये टूल,
इससे क्या होता है, जैसे मैंने अभी नहीं यूज़ किया कलर नॉइस, दिन मैंने कलर नॉइस अप्लाई कर दिया है, तो गाइस यहाँ पे मेरी फोटो एकदम स्मूथ हो गई है, इसकी स्मूथनेस आप बढ़ा सकते हैं। देन कुछ यहाँ पे ऐसे वैसे, मतलब ये कम टूल्स, मतलब ये टूल्स बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मैं इनके बता देता हूँ। यहाँ पे आप जाके पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी स्केल चेंज कर सकते हैं और ऑफसेट कर सकते हैं अपनी फोटो को। नेक्स्ट टूल में आप यहाँ पे प्रीसेट बना सकते हैं, अपने प्रीसेट को सेव कर सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा टूल है, इसका भी यूज़ अगर मतलब मैं बता दूंगा आपको। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर।